मध्य प्रदेश रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का हाल ही में एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह नंगे हाथ बिना मुंह में मास्क लगाए बिना किसी सुरक्षा के टॉयलेट की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। और वह शायद जनता को संदेश दे रहे हैं कि लोग टॉयलेट और गंदे स्थानों पर बिना किसी हाइजीनिक सुरक्षा बीमारियों को आमंत्रण देने के लिए जाएं और नंगे हाथों पैरों और बिना मुंह में मास्क लगाए टॉयलेट की सफाई करें। इस प्रकार का मामला पहला नहीं है जिसमें जनार्दन मिश्रा टॉयलेट की सफाई करते हुए अपने आप को स्वच्छ भारत का पुरोधा बताने का प्रयास कर रहे हैं। गांधीवादी होना और गांधीवादी होने का ढोंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। महात्मा गांधी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व उस समय टॉयलेट सफाई कोड और स्वच्छता का बीड़ा उठाए जब समाज में यह बड़ी कुरूति थी और मैला ढोने वाले लोगों को अछूत समझा जाता था। लेकिन आज नियम कायदे बन गए हैं, अधिनियम बन गए हैं और कानून के अंदर दंडात्मक प्रावधान है, जहां भेदभाव और छुआछूत फैलाना एक दंडनीय अपराध भी है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा के टॉयलेट सफाई को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने कहा है कि रीवा सांसद द्वारा अपने अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास, किसानों की समस्याओं और गोवंशों पर क्रूरता जैसे मामलों को संसद में मीडिया में न उठाते हुए बार बार एक ही तरह का टॉयलेट सफाई करने का वीडियो बनाकर जारी करना इन ज्वलंत मुद्दों पर पर्दा ढकने और ध्यान भटकाने जैसा है और अपने आप को गांधीवादी दिखाने का ढोंग मात्र है। उन्होंने कहा कि गांधीवादी होना और गांधीवादी होने का ढोंग करना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। यह सर्वविदित है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग महात्मा गांधी को किस दृष्टि से देखते हैं और उन्हें कितना सम्मान करते हैं। सोशल मीडिया में आए दिन इन्हीं संगठनों के नाम का टैग लगाए हुए लोग महात्मा गांधी को ऐसे ट्वीट करते हैं जैसे वह देश में सबसे बड़े दुश्मन हैं। सरेआम ग्राम पंचायतों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको दबाने के लिए सांसद विधायक पूरी जोर जुगुत लगा रहे हैं। यहाँ तक कि सार्वजनिक मंच पर मीडिया के समक्ष यही रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने ग्राम पंचायत के सरपंचों को भ्रष्टाचार करने की 15 लाख रुपए तक की खुली छूट दे रखी थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ विधायकों द्वारा ग्राम पंचायतों में कमीशन खोरी का खेल खेला जा रहा है और आने वाली भ्रष्टाचार की जांचों को उच्च अधिकारियों पर दबाव देकर दबाया जा रहा है। अभी हालिया उदाहरण सिरमौर जनपद क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के ऊपर हुए हमले के दौरान वह ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें सिमरिया क्षेत्र के विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा सथनी ग्राम पंचायत की जांच को कमिश्नर कार्यालय में दबाने की बात कही गई थी। और दूसरा सबूत तब सामने आया जब जनपद पंचायत गगेव की सिदहा और चौरी ग्राम पंचायत की जांच को सिरमौर के भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह के द्वारा विधिवत लिखित पत्र जारी कर प्रभावित करने का प्रयास किया गया। ऐसे में अब जनता भी जान रही है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के यह पैतरे मात्र है जिसमें जनता की सहानुभूति हासिल करने का एक बार फिर झूठा प्रयास भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों के द्वारा किया जा रहा है। अब यह तो जनता भी जानती है कि पूरे देश में मुद्दों की स्थिति क्या है। वास्तविक मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्ति, विकास जैसे गंभीर मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एजेंडे में अब बचे ही नहीं हैं। तो अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब टॉयलेट सफाई के नाम पर वीडियो वायरल करने से जनता को गुमराह किया जा सकता है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की वास्तविक बेगम और बादशाह जनता सब कुछ जानती है और सब देख रही है। कहां कितनी सच्चाई है यह जनता को बताने की जरूरत नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक बार पुनः टॉयलेट की सफाई करते हुए नजर आए हैं। सबसे विचित्र बात यह है कि रीवा सांसद का यह पहला वीडियो नहीं है, कई बार इसके पहले ऐसे वीडियो आ चुके हैं और वो इसके माध्यम से ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो स्वच्छता का संदेश देना चाह रहे हैं या गांधीवादी होने की बात कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि लगभग 2 पंचवर्षीय का काम संपन्न हुआ और हम ये देख रहे हैं कि रीवा जिले का जो उनके संसदीय क्षेत्र का विकास है उसकी जो रफ्तार है वो डाउनग्रेड हो रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर गौवंशों का मुद्दा ले लीजिए, भाजपा का चहेता मुद्दा था जिसके बल पर इनकी सरकारें आती हैं, है ना, गाय, गंगा, धर्म, ये सारी चीज़ें। गौवंशों की स्थिति दिन प्रतिदिन दुर्दशापूर्ण होती जा रही है। लंपी रोग ने पूरे भारतवर्ष, मध्य प्रदेश पूरी सब तबाह कर दिया है।
हजारों की संख्या में गायें मर रही हैं, साथ में इनका जिस तरह से हत्याएं जगह जगह इनकी हो रही हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम रोडों में एक्सीडेंट होता है, जगह जगह इनके साथ क्रूरता हो रही है उस विषय पर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो उन्होंने वायरल किया, ये एक ढोंग के तरीके और कुछ भी नहीं है। और सबसे अगली इसमें ध्यान दीजिएगा कि वह खुले हाथ से बिना मुंह में मास्क लगाए हुए लेटरिन में घुस करके क्या संदेश देना चाहते हैं कि हर जनता इसी तरह से वह जा करके गंदे जगह पर हाथ डाले और बिना हाइजीनिक व्यवस्था के इस तरह से करे। क्या ये वो मास्क लगा करके नहीं कर सकते थे? क्या हाथ में वो ग्लव्स लगा करके नहीं कर सकते थे? हार्पिक और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आते हैं जिसकी माध्यम से आप इसको सफाई कर सकते हैं, क्या वो ऐसा संदेश ही देना था तो नहीं कर सकते थे? मतलब स्वयं भी गंदगी में डूबे रहो और दूसरों को भी गंदगी के लिए प्रेरित करो, इसका मैसेज सिर्फ इतना है। और ये जो गांधीवादी विचारधारा का ये जो ढोंग कर रहे हैं, इसकी आज की डेट में ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे काम है एक संसदीय क्षेत्र में सांसद के जो उनको करना चाहिए। हमने जैसा आपको बताया कि विकास के काम, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, हर तरह से भूखमरी की जो स्थितियां हैं, मेडिकल फैसिलिटी की हैं, ये सारी चीज़ें हैं उनको करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये जो इन्होंने ये जो संदेश देने का प्रयास किया है, यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और इसका कोई असर हमें नहीं दिखता कि उनके कार्य पर, उनके जो वर्किंग स्टाइल है, जो उनका जो एक ग्राफ है कि उन्होंने कितना संसदीय क्षेत्र में काम किया है, वह सब जनता के सामने है। और हमें नहीं लगता कि आगे आने वाले चुनाव में जनता इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेने वाली है। तो सांसद महोदय से बस इसमें यही कहना है, हमारा निवेदन है कि जो उनके कार्य हैं वो करें और इसके लिए जो शासकीय और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको प्रेरित करें। स्वच्छता के नाम पर अरबों खरबों की जो राशि व्यय हो रही है उस पर उनको ध्यान देना चाहिए, वो भ्रष्टाचार रोका जाना चाहिए।